क्योंकि मैं कायदे आज़म के इस फकरे पर यकीन रखता हूँ और हमेशा इसको प्रमोट करता हूँ कि रिलीजन एंड बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ इज ए पर्सनल मैटर ऑफ फेथ फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड नोबडी हैज़ अ राइट टू इंटरफेयर इन दैट इंक्लूडिंग द स्टेट। बहुत सी मुहिम एक्सट्रीमिस्ट की बर्दाश्त की, एक मुहिम चलाई थी उन्होंने मेहदी हसन भगाओ पाकिस्तान बचाओ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भागे बगैर पाकिस्तान बचा हुआ है और बहुत खुश हूँ। मुझे हमीद अहमद ख़ान वाइस चांसलर जो मरहूम थे उनका पैगाम दिया था डॉक्टर अब्दुलसलाम खुर्शीद ने जो चेयरपर्सन थे जर्नलिज्म के, कि वाइस चांसलर साहब की ख्वाहिश है कि आप वहाँ लेक्चरशिप एक्सेप्ट कर लें। तो एक साल 66 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाया था, 67 में मुझे उन्होंने परमानेंट कर दिया था वहाँ। तो सारी ज़िंदगी वहाँ की रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से लड़ते हुए गुजरी, अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानियाँ भी दी, 2-3 दफ़ा निकालने की कोशिश भी की गई जिसको मैंने बाकायदा लड़ाई की हाई कोर्ट में। बहुत दिलचस्प केस हैं। याया खान के ज़माने में 9-10 महीने में केस लड़ता रहा, निकाल दिया गया था, जीत लिया केस, वापस हुआ। उसके बाद ज़िया के ज़माने में 3 दफ़ा निकालने की कोशिश की गई, मैंने हर दफ़ा हाई कोर्ट का सहारा लिया। आखिरी मरतबा 83 में जब हाई कोर्ट में मेरा केस पेश हुआ तो रज़ा काज़िम बैरिस्टर जो थे हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने रिट मेरी तैयार करके दाखिल की थी, वो एक्सेप्ट हो गई थी। जब डेट लगी तो रज़ा काज़िम गिरफ़्तार हो चुके थे बगावत के इल्ज़ाम में और अटक के किले में थे। चीफ जस्टिस मुजद्दद मिर्ज़ा साहब ने मेरे से पूछा कि आपके वकील कहाँ हैं, मैंने कहा कि वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, वो अटक के किले में। उन्होंने कहा दैट सेटल्स फॉर हिम, अब आप कोई और वकील करें। मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, रज़ा काज़िम तो मुफ्त कर रहे थे मेरा केस, तो आप मुझसे पूछ लें जो कुछ पूछना है। तो वहाँ मौजूद थे अदालत में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि जी मैं इनकी वकालत के लिए तैयार हूँ। तो मुजद्दद मिर्ज़ा साहब ने ये पूछा मुझसे, ये कहा कि प्रोफेसर साहब ज़माना बहुत ख़राब है, आप क्यों सियासत करते हैं, आप तनख्वाह जेब में डाले आराम से घर बैठे। मैंने मोहम्मद अली एक्टर की फिल्में देखी थी जिसमें अदालत में खड़ा हो जाता है, जी जी जी, तो मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा योर ऑनर आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू, व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट पॉलिटिक्स, व्हाट आई एम डूइंग इज़ माय ड्यूटी एज ए टीचर टू टेल पीपल व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड इफ आई डोंट टेल माई स्टूडेंट्स दैट मार्शल लॉ इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशन आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी एज ए टीचर। उन्होंने मुझे एक स्टे ऑर्डर दे दिया जो मेरी रिटायरमेंट तक चलता रहा। उसी अरसे में 3 स्टेजेस की तरक्की भी हुई और रिटायरमेंट भी हुई। यूनिवर्सिटी में बहुत इज्जत मिली, तालिब इल्मों से भी, कोलीग से भी। वहाँ मैंने अपनी जद्दोजहद अपनी बिसात के मुताबिक जारी रखी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़,
क्योंकि मैं कायदे आज़म के इस फकरे पर यकीन रखता हूँ और हमेशा इसको प्रमोट करता हूँ कि रिलीजन एंड बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ इज़ ए पर्सनल मैटर ऑफ फेथ फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड नोबडी हैज़ अ राइट टू इंटरफेयर इन दैट इंक्लूडिंग द स्टेट। तो इस पे मेरा इख्तलाफ रहा, बहुत सी मुहिम एक्सट्रीमिस्ट की बर्दाश्त की। एक मुहिम चलाई थी उन्होंने, मेहदी हसन भगाओ पाकिस्तान बचाओ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भागे बगैर पाकिस्तान बचा हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ।